नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में जितेंद्र सोलंकी। राजस्थान के अंदर चुनावी बिग फाइट कभी भी शुरू हो इसका शंखनाद चुनाव आचार संहिता के साथ हो सकता है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान की सरकार राजस्थान को कौन कौन सी सौगातें दे रही है, कौन कौन सी सौगातें देने वाली है, उन सबके बीच में जो बड़ी सौगात दी गई वो सबसे पहले 33 के आंकड़े को 50 करके दी गई और अब 50 के आंकड़े को कर दिया गया 53, यानी कि राजस्थान अब 33 नहीं, राजस्थान अब 53 हो चुका है। तीन और बड़े जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज की और इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये अंतिम है। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा कि जहां जहां विरोध हो रहे हैं, जहां जहां धरने हो रहे हैं, उनसे अपील है कि वो कमेटी के पास जाएं, अपनी बात को रखें और ये पूर्ण विराम नहीं है। मुख्यमंत्री का अंदेशा ये कि अगर वो कमेटी रिकमेंड करेगी तो फिर और भी जिले राजस्थान में बन सकते हैं। तो क्या चुनाव से पहले तीन जिलों की और सौगात राजस्थान में गहलोत सरकार के साथ रिवाज को बदलते हुए राज कायम रखने में कामयाब हो पाएगी? आज बात इसी में। तीन जगह जो है वे जिले बनेंगे, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विभिन्न योजनाओं का सहारा लेने की कोशिश की थी। अब ये भी अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जब 19 जिलों की घोषणा की गई थी तो कहा गया था कि आचार संहिता लगने में सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है, और क्या वाकई में इतने कम वक्त के अंदर परिसीमन करके वहां प्रशासनिक नियुक्ति कर देना मुमकिन है? और ये हुआ, कलेक्टर SP नए जिलों के अंदर लगाए। अब सवाल यह कि जो 3 नए जिलों की घोषणा की गई है, क्या वो जिलों की घोषणा का पार्ट 2 है या फिर मुख्यमंत्री ये देख रहे हैं कि कहां कहां विरोध के स्वर ज्यादा है, वहां उन स्वर को कैसे दबाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्या इसी मांग ने और इसी सोच ने 33 के आंकड़े को बढ़ा बढ़ाकर 53 कर दिया है? क्योंकि दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि जितना छोटा इलाका होगा उसकी डेवलपमेंट उतनी आसानी से की जा सकती है, उसमें व्यवस्थाओं और योजनाओं को एग्जीक्यूट धरातल पर उतने बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो क्या 53 के साथ राजस्थान 2030 की तरफ देख रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं PCC महासचिव RC चौधरी जी, BJP प्रवक्ता विकास बारहट जी और राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा जी। RC चौधरी जी, शुरुआत आपके साथ। अभी आचार संहिता लगी नहीं है, मानकर चले 53-55 भी हो सकते हैं। विजेंद्र जी, जब तक जनता ने जो जनादेश देके हमें कार्य करने का समय दिया है, जब तक आचार संहिता नहीं है, पल पल जनता के लिए 24 घंटे और प्रत्येक दिन के लिए तत्पर हैं। 53 से 55 हो सकते हैं, जब तक जो समिति है रामलुगाई कमेटी है, जनता की अगर आवाज़ है, अगर कोई अनुशंसा करती है कमेटी, तो निश्चित रूप से जनता के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य के लिए संकल्प है कि 2030 के अंदर देश का पहला राज्य बने। सुशासन को लेके, गुड गवर्नेंस को लेके, लोगों की सुविधाओं के लिए अगर जन जन तक अगर प्रशासन की सीधी पहुँच हो सके, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार जिस बात का आपने जिक्र किया, क्योंकि वो हर वर्ग को, हर राजनीतिक दल के लोगों को, हर विधायक की आवाज़ को सुनते हैं और उसी का ये नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः 3 जिलों की सौगात दे के प्रदेश के अंदर जो आपने 53 का आंकड़ा लिखा है वो 53 पूर्ण किया है। ये विकास की गति है, सतत एक पहिया है, बढ़ता रहता है। अगर कहीं लगता है कि और बेहतरीन चीज़ें हो सकती है तो निश्चित रूप से ये आगे भी जा सकता है जी। और आपको लगता है कि जितना छोटा जिला होगा उतने बेहतर तरीके से विकास होगा, भाई सोच तो यही होगी? ये एक व्यक्ति की सोच नहीं, जो हमारे जो प्रशासनिक जो लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तमाम जो लोग हैं, जब लोग ले के आते हैं, प्रशासन के साथ में संवाद किया जाता है, कमेटी के साथ में विचार विमर्श किया जाता है, तब अगर कोई चीज़ निकल के सरकार के पास में कमेटी अगर अनुशंसा करती है तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को सुना जाए, कमेटी की अनुशंसा पर ध्यान दिया जाए। और मुझे लगता है उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसके अंदर 3 जो जिले हैं नए घोषित किए।
संजय शर्मा जी, जरा बताइए सर, इसका कोई असर पड़ेगा इन 3 जिलों का? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 19 जिले बनाने के बाद जो एक एक्सेलरेशन मिला था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, तो उसको बूस्टर डोज के तौर पर 3 और जिलों की सौगात के साथ जोड़ दिया गया। जी, मुझे लगता है कि आप ये दोनों तरह से ही ठीक बात होती है कि जब कुछ लोगों में निश्चित तौर पर इस बात की इच्छा थी कि उनके डिस्ट्रिक्ट्स को भी कंसिडर करना चाहिए। एक और मुझे जानकारी जो मैं समझ सकता हूँ, एक शायद ये भी हो सकता है कि जो लोकल लेवल पे कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव है और जो विधानसभा के एस्पिरेंट्स हैं, जो विधानसभा में उम्मीदवारी लगे, वो लोग भी इस तरह से मुख्यमंत्री जी को शायद इस बात के लिए समझा पाए कि अगर ये होता है तो हम विधानसभा सीट निकालने में हमें सहारा मिलेगा जी। एक संभावना बिल्कुल निश्चित तौर पर ये समझ में आती है, लेकिन दूसरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट की, संजय शर्मा जी, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ सर, नया जिला राजस्व के आधार पर बनता है, रिकमेंडेशन के आधार पर नहीं सर जी, और डिजायर के आधार पर तो बिल्कुल नहीं जी। ये बात है बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक आपने भी पहले कहा और मेरा मानना ये है कि छोटी यूनिट्स काम आ रही हैं, ये हमने राज्यों के स्तर पे भी देखा है। अब जब 2000 में नए राज्य बने, जैसे कि उत्तराखंड का, मैंने खुद उस टाइम रिपोर्टिंग में देखा है कि उत्तराखंड का सारा तर्क ये था कि देखिए आप हिमाचल इतना छोटा है और वो कितना आगे चला गया, हम कितने पीछे रह गए। पर बाद में राज्य बनाने का फ़ायदा नज़र आया, तो जब क्या होता है कि एक जो इनिशियल जो हम कैपिटल लगाते हैं वहाँ पे, उसका फ़ायदा होता है कि उसकी वजह से और प्राइवेट एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। दूसरी बात ये है कि आपको कई लोकल लेवल पे म्यूनिसिपल बॉडी में और आपको और अलग अलग कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स वगैरह में बहुत लोगों को अकोमोडेट करने का मौका मिलता है, तो वो जो दौड़ शुरू होती है उसको हार्नेस करने की, उसको संभालने की से भी समझा जाता है कि आप शायद वोट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से जरा बताइए राजस्थान को कितने जिलों की जरूरत है? ये तोड़ लीजिए सर फिर नहीं, ये तो वैसे मेरा मानना है कि अगर भाई दो जितने जिले अगर बनाने पड़ जाए राजस्थान में तो कितने जिले? अभी भी सोचिए आप कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ एक से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 100-125 किलोमीटर की बात है। वो डिस्ट्रिक्ट भी जनसंख्या तो कम है, रेवेन्यू के एंगल से भी नहीं बनता, लेकिन प्रशासनिक ढंग से तो मुश्किल है। तो होना ये चाहिए था कि और भी ऐसी जगह जो बची होंगी, खासतौर से जैसलमेर साइड पर, वो और छोटी होनी चाहिए थी। अब उधर से डिमांड नहीं आई तो वो अलग बात है। ठीक है, आरसी चौधरी जी, दो और शहरों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक सूरतगढ़ और दूसरा भीनमाल। जनसंख्या की दृष्टि से भी, रेवेन्यू की दृष्टि से भी, धरने प्रदर्शन की दृष्टि से भी और आक्रोश की दृष्टि से भी, वो इन तीनों जिलों से बराबर हैं या इससे ऊपर हैं? तो मानकर चले उनकी घोषणा पाइपलाइन में है या फिर उनकी घोषणा अभी हो सकती है या उनको रिकमेंडेशन में आया ही नहीं। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया और आपने कहा कि ये किसी व्यक्ति की चाह या रिकमेंडेशन से ही नहीं, तमाम जो प्रशासनिक जो कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी की अनुशंसा करी है, जनप्रतिनिधि उस कमेटी के पास में जाके अपने जो प्रस्ताव रखते हैं उस प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है, क्या उसके फायदे हो सकते हैं। और आपने सही कहा कि ये दो जिलों की मांग निश्चित रूप से है, वहाँ की जनता डिमांड कर रही है। कमेटी जब इस पर अनुशंसा करेगी और यहाँ पे अगर समय रहेगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि सरकार ने विकास के पथ को गतिशील बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं और आगे लेके जाएंगे। हमने 8 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाया है, राजस्थान के 200 विधायकों को ये भरोसा दिलाया है कि राजस्थान किसी एक पार्टी, एक वर्ग और एक जाति से नहीं, सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब हम 8 करोड़ लोगों के एस्पायरेशंस को किस प्रकार से कंसोलिडेटेड कर सकते हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प 2030 का जो मिशन है 2030 को लेके 3 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने अपने वहाँ पर सुझाव दिए, और ये मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा कोई अगर मैंडेट के तौर पे हो या लोगों के सुझाव के तौर पे हो तो ये राजस्थान पहला राज्य होगा जो अपने लोगों की इतनी बड़ी वॉइस को शामिल करने जा रहा है। विकास बारड़ जी, बीजेपी ने कहा था जब 19 जिले बने थे कि ये तो थोथी घोषणा है, एग्जीक्यूट नहीं होगी, 4 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने में तो रिपोर्ट तैयार नहीं होगी, नया जिला कैसे तैयार होगा, परिसीमन होगा, आक्रोश होगा, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को आप कैसे रखेंगे, प्रशासनिक तंत्र को कैसे रखेंगे, एसपी कलेक्टर सब लग गए सर। देखिए विजेंद्र जी, एसपी कलेक्टर सरकारी अमला लगा देना एक अलग बात है, पर एक जिले को बनाने के लिए, जो जिले को खड़ा करने के लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो राजस्व चाहिए होता है, वो राजस्व क्या सरकार वहाँ पर लगा पाई है? ये जिलों की घोषणा, मैं तो कहता हूँ ये मानते हैं कि जनता की आवाज़ थी। अरे तो भैया 2018 में चुन के आए थे, वो आवाज़ जो आपको दी गई थी काम करने के लिए, 5 साल का समय जो दिया गया था उसमें तो 50 दिन नहीं बचे, अब जनता याद आई है।
ये राजस्थान की जनता है विजेंद्र जी, आप मैं और सब समझते हैं कि ये महज चुनावों के अंदर लोगों को एक तरीके से अपने जाल में फंसाने के लिए घोषणाएं की जा रही है। अगर वास्तव में इनको जनता से सरोकार था तो बनते ही इनको जिला बनाने चाहिए थे, तो ताकि आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता और वो जिले वाकई में जनता के लिए जो है वो आज कार्य करने की स्थिति में हो जाते। ये तो सब जानते हैं, जो जिले हैं जो पहले घोषणा करी उनके परिसीमन में किस प्रकार की स्थिति है। आपसे भी सवाल हो सकता है, भाई 5 साल के आसपास आप लोग विपक्ष में रहे हैं ना सर, 5 साल के बावजूद अब आप रथ निकाल रहे हैं कि लोगों से पूछेंगे भाई उनको क्या चाहिए। 5 साल में चुनाव के एजेंडा के लिए पूछ रहे हैं भाई, पता नहीं चला 5 साल में जनता को क्या चाहिए। हमें बिल्कुल पता है जनता को क्या चाहिए, और जनता को जो नहीं चाहिए था उसका हमने हर सिरे पर विरोध किया है, लेकिन हम तो चुनाव के संकल्प पत्र के लिए सुझाव ले रहे हैं और चुनाव अब होने वाले हैं और इसलिए ले रहे हैं, चुनाव से पहले ले रहे हैं। चुनाव के 5 साल होने के बाद आने वाले 8 साल का जो कि दूर दूर तक कहीं उनसे सरोकार नहीं है। अच्छा, मैं आपको 2030 की बात नहीं कर रहे, 2014 में एक विजन था 2022 का, और अभी विजन क्या दिखाए जा रहे हैं 2047 का, और 47 कितनी दूर है अभी से, 24 साल दूर है। बिल्कुल, आप मतलब 8 साल दूर का सपना देखना तो गलत है, बिल्कुल, और 24 साल आगे का सपना देखना सही है। आपकी बात का जवाब देता हूं सर, पहली बार मोदी सरकार जब केंद्र में आई, उस केंद्र की सरकार में हमने कहा, लोगों ने हमारे बहुत कहा कि साहब ये तो इसी बार नहीं आएंगे, लेकिन हुआ क्या कि हम मेजोरिटी से पहले से ज्यादा सीटों के साथ हम आए और हमने सरकार बनाई। तो साहब 2 बार लगातार सफल होने के बाद ये बनता है कि हम आगे की सोचें, और जनता ये तय करती है, जनता का समर्थन हर जगह दिखा रहा है कि वो हमें अवसर देगी। राजस्थान में क्या हुआ, जब गहलोत साहब की सरकार आई, रिकॉर्ड वोटों से, रिकॉर्ड सीटों से गहलोत साहब जो है वो हारे हैं, फिर ये किस मुंह से बोल रहे हैं। दूसरी बात, हमने जो विजन उस वक्त बनाया था उस पर काम कर रहे हैं, ये तो बात आज 50 दिन बचे इनके पास, जब जाके विजन 2030 की कर रहे हैं, 18 में आते ही करते, हम नहीं करते इनकी आलोचना। लेकिन इनकी योजनाओं की बढ़ाई तो प्रधानमंत्री कर गए, जिलों की जरूरत राजस्थान को है या नहीं है? जिले की जरूरत जितना ज्यादा प्रशासन लोगों के करीब पहुंचेगा उतना सरल होगा। अप्रिशिएट कीजिए ना फिर जी भाई, अप्रिशिएट कीजिए ना। अरे पहले अंतिम जिला कब बना? प्रतापगढ़ बना 2008 में बना शायद, तब से जिले नहीं बने। गुजरात पॉपुलेशन में हमसे कम, ज्योग्राफिकली हमसे कम, मध्य प्रदेश लगभग बराबर, जिले कितने हैं वहां पर? विजेंद्र जी, जो घर बना दिए उन घरों में चूल्हा चौका नहीं कर पाए, उन घरों में फर्श नहीं लगा पाए, उन घरों में कलर पेंट नहीं कर पाए, उन घरों में बाथरूम नहीं है, लाइट नहीं है, और आप कह रहे हो नया घर और बना लो। पहले पैदा होता ही थोड़ी ना 18 साल का हो जाता है, उस घर को तो तैयार करो सर। हम कह रहे हैं जो जिले बनाए उनको तो ताकत दे, और बनाए तो हम तो यही करें ना। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड IAS जगरूप यादव जी जुड़ गए हैं। जगरूप जी, आपको बधाई। मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं सर, 3 और कलेक्टर लगेंगे, 3 और SP लगेंगे, और प्रशासनिक अधिकारी लगेंगे। देखिए विजेंद्र जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैं समझता हूं प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मैं समझता हूं बहुत ही सराहनीय कदम है जी। और ये मान के चलिए कि जैसे जितना भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता है तो दूरस्थ के बजाय निकटस्थ सेवाएं मिलती हैं, सेवा प्रदाता को भी सुविधा रहता है, मैनेजमेंट में प्रशासनिक दक्षता उसकी बढ़ती है, और सेवा ग्राहता को भी मैं समझता हूँ कि निकटस्थ सर्विसेज मिलती हैं, उस क्षेत्र का विकास होता है, और नागरिकों को जो आम रोजमर्रा की सुविधाएं होती वो बढ़ती है, और जितना सरकारी अमला आता है तो उससे लैंड प्राइसेज बढ़ती हैं, शहरीकरण होता है और उद्योग धंधे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि नए जिले बनाने में किसी को भी कोई हानि मैं समझता हूँ हो नहीं सकती जी। तो ये एक बहुत ही श्रेयस्कर कदम है, और राजस्थान यूं भी भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा प्रदेश है जी। तो उसमें लेकिन जगरूप यादव जी, ये तो आप अच्छे से जानते हैं सर, स्टेट तो पैसों से चलेगा सर, पैसों से चलेगा ना। तो ये बताइए कि 33 के आंकड़े को 53 करने के बाद क्या वाकई में हमारे राजस्व में उस लेवल पर बढ़ोतरी होगी कि हम उस पैसे का विकेंद्रीकरण इस तरीके से कर सके कि हर जिला अपने आप में डेवलप हो जाए? देखिए विजेंद्र जी, राज्य जो होता है, राज्य का जो काम होता है वो कभी वणिकवृत्ति से काम नहीं करता, वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है आज। और बेसिकली पैसा तो जब आप प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करते हो तो मैं समझता हूँ कि बेहतर
प्रबंधन होता है और जो लीकेज है वो कम होते हैं, फिल्ट्रेज कम होता है और कुल मिला के इसमें नुकसान के बजाय सारे फायदे ही फायदे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि कई बार ये भी कहा था कि इसके लिए संसाधन कहाँ आएंगे, मैं राजस्थान में और संसाधन में लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी कह देते कि इतने अधिकारी कर्मचारी कहाँ से हैं कि विजेंद्र जी 7 लाख कर्मचारी अधिकारी राजस्थान सरकार के पास है और साधनों की दृष्टि से भी राजस्व संग्रहण की दृष्टि से 163 लाख यानी 1,63,00,000 का आपके जीएसटी कलेक्शन हो रहा है राजस्थान, उसमें हमारा ट्रेड एंड कमर्स है उसके हिसाब से राजस्थान में ऑयल के भंडार मिले हैं तो राजस्व की कोई कमी नहीं है। लोक कल्याण के लिए अगर उधार लेके भी आपको काम करना हो तो कुल मिला के वेलफेयर स्टेट का ये कंसेप्ट है कि आपको काम करना चाहिए, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए, निकटता मिलनी चाहिए, प्रशासनिक दक्षता से मिलनी चाहिए, तो ये तो सारे श्रेयस्कर कदम है, इसकी कोई आलोचना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। ठीक है संजय शर्मा जी, क्योंकि मैंने एक सवाल आपसे किया था उसका जवाब शायद मुझ तक पहुंच नहीं पाया कि भाई क्या इंटरनली ये मैसेज चल रहा था कि 19 जिले बनाए राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है राजस्थान से भी कि भाई 19 जिलों या 50 जिलों का आंकड़ा किसने छुआ, किस मुख्यमंत्री के दौर में हुआ, वो सब हो गया है, लेकिन क्या वो जो माहौल बना था 19 जिले के बाद वो थोड़ा थोड़ा धीरे कम हो रहा था जिसको बूस्टर डोज के तौर पर ये किया गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस ये एक इसकी वजह रही है, वजह यही है कि लोगों की डिमांड थी, उन्होंने एवेल्युएट कराया और एवेल्युएशन के बेसिस पे है। लेकिन मैं एक दूसरा पक्ष भी है, बिल्कुल जैसे कि अभी यादव साहब ने बताया, होता ही है कि आप जब कोई हमेशा जो सरकार है कल्याणकारी के अलावा वो स्मार्ट बिजनेस पर्सन भी है, वो ये सोचती है कि जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं खासतौर से जब प्रॉपर्टी और बहुत सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है बिल्कुल इस्टेब्लिश नॉर्म है इकोनॉमिक्स की, तो एक्टिविटीज़ तेज होती हैं और वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ करती है अपनी तरफ काम आएगा। लेकिन हमें दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए तो कि इसकी कॉस्ट के बदले में वोट चाहिए, वो तो है ही खैर, लेकिन मैं सोचता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया उत्तराखंड जिसमें मैं खुद कवर कर रहा था, उनमें ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी सोचना होगा कि जो नए तरीके हैं क्या इससे बेहतर कोई विकल्प हो सकता था लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का जी। मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और सुपीरियर तरीके से लोगों की जो सुविधाएं उनको लगभग घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी एक अच्छा विकल्प हो सकता था, उस पर विचार हुआ नहीं हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। आरसी चौधरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, भाई अगर आप और ज़िले बना देंगे उसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जितना छोटा ज़िला होगा उस पर पकड़ उतनी मजबूत रहेगी, विकास कार्य उतनी तेज़ी से होंगे, लेकिन अब तो हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, AI के ज़माने में हैं और वहाँ किसी तक पहुँचना और योजनाओं को एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल थोड़ी ना है। विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तमाम सब चीज़ें मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से अनभिज्ञता और असमर्थता जो जाहिर की कि किस प्रकार से इनका विकास हो पाएगा, इन्होंने ही नहीं राजस्थान की विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया होते थे तब जब माननीय मुख्यमंत्री बजट की घोषणाएं करते थे कही कि ये धरातल पे कैसे आ पाएंगी, कैसे आर्थिक प्रबंधन हो पाएगा, मुख्यमंत्री जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सचेत करके कहा कि मेरे दरवाजे खुले आइए, ये जिम्मेदारी हम पे, और मुख्यमंत्री ने उस जिम्मेदारी को बेखूबी निर्वहन किया। आज राजस्थान आर्थिक विकास की दृष्टि से देश के अंदर नंबर 2 पे आता है, हमें संकल्प है इसको नंबर 1 पे लेके जाना है। आज राज्यों जो जिलों का जो निर्माण किया है जनता की आवाज़ पे, जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट हो तमाम, जो एक व्यक्ति का ये निर्णय नहीं होता, कई लोगों का निर्णय होता है और निर्णय और संवाद करने के बाद में सिलसिला होता है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस कमेटी का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए सरकार को बधाई देना चाहती है? राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं उनका निर्वहन सिर्फ कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है जिसका विजन हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ना इन योजनाओं पे खुशी जाहिर की, ना जिलों के निर्माण पे खुशी जाहिर की, और ना ही ये कर पाएंगे, क्योंकि जिसके पास विजन होता है, दृष्टि होती है और संकल्पित होता है कि मुझे प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है सर, क्योंकि मेरे पास अब वक्त की कमी है, डिमांड के आधार पर बनाए गए हैं या नीड के आधार पर? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब क्षेत्र की जो जनता होती है, जनता की सहूलियत किस प्रकार से पहुंचे, सुशासन उनके पास में किस प्रकार से पहुंचे, किस प्रकार से उस क्षेत्र का विकास हो, तो ये क्षेत्र की जनता की मांग तो होती ही होती है। साथ में ही जो कमेटी का गठन किया जाता है वो कमेटी उनके तमाम जो तथ्य और आधार दिए जाते हैं उनके आधार पर समग्र निर्णय लिया जाता है। नेड दोनों को ध्यान में रखते हुए 3 और जिले राजस्थान में जोड़ दिए गए हैं, विकास
क्योंकि ये तो समस्या रहेगी, इस बार मुख्यमंत्री ने इतना कुछ कर दिया है, जनता के बीच में इतना कुछ पहुंचाने की कोशिश कर दी है कि उन्होंने जो कहा था कि भाई आप मांग लीजिए मैं दे दूंगा, और वो वाकई में उस स्थिति में आ गए हैं, क्या करेंगे? देखिए, अभी ये कह रहे थे राजस्थान बड़ा विकसित कर दिया इन्होंने, देश में पहले नंबर पे कर दिया, कई चीज़ों में कर दिया देश में पहले नंबर पर। आप देखिए मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन के अंदर राजस्थान पहले नंबर पर है, जो महंगाई जिसकी वजह से होती है इन्फ्लेशन में राजस्थान पहले नंबर के ऊपर है। दूसरा, लोन सरकार के ऊपर आज 5.5 लाख करोड़ का लोन इन्होंने राजस्थान की जनता पे मढ़ दिया। अब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, झूठे तो आप हो, झूठे तो आप हो, आप हो झूठे, तो झूठ तो कोई आपसे बुलवाए 50 दिन पहले यहाँ पर जो है वो आप बात कर रहे हो जिलों की। अरे 4.5 साल तक तो आप कुर्सी बचाने में लगे रहे, आपके परिवार से गए हुए बैठे रहे, जब तक कुर्सियां बचाते रहे, अब आपको जनता याद आई है और वाहवाही लूटने आ गए, किस मुंह से इस देश की बेटी राजस्थान के मानचित्र में फिर से बदलाव किया गया है और राजस्थान के मानचित्र में अब 3 और जिले जोड़ दिए गए। नमस्कार।